व्हेनेवर वी गो टू स्ट्रीट शॉपिंग हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें खरीदना क्या है, और मेरी ड्यूटी ये है कि आपको जब भी मैं कोई मार्केट कवर करूँ, एक्सप्लोर करूँ, तो आपको दिखाऊँ कि क्या क्या चीजें वहाँ की स्टेपल, अमेजिंग, क्यूट, एस्थेटिक, बोहो, मंजारन टाइप की चीजें हैं, और मैं सारी टाइप की कलेक्शन दिखाती हूँ। तो आज हम कवर करेंगे जनपद की मिनी मार्केट एंड गुजराती लेन, जिसमें हम समर और विंटर वेयर दोनों देखेंगे। राजस्थान सीरीज, अब हम गुजराती लेन में आ चुके हैं। तो सी की राजस्थान में बेटर था या यहाँ पे बेटर है? काफी ज्यादा शोर है, आगे चलते हैं। काफी भरी हुई लग रही है मार्केट, क्योंकि मैं इस टाइम पे दोपहर को आई हूँ। दोपहर को जो है ना फुल मार्केट लग चुकी होती है गुजराती लेन में, और आई एम होपिंग टू फाइंड गुड स्टफ। बिगनिंग विद द फर्स्ट शॉप, जो दो मेजर शॉप्स आती हैं उसके साथ में एक आंटी बैठती हैं जिनके पास बहुत अच्छे बैग्स अभी तक अवेलेबल हैं। काफ़ी हद तक वो रियल ऑथेंटिक वाले मटेरियल के हैं जिसमें हैंडवर्क था। उसके ऑपोजिट आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे होम डेकोर, होम फर्निशिंग्स वाली चीज़ें, और उसके साथ आपको मिल जाएंगे क्लचेस, बोहो बैग्स, और जो वेडिंग्स में काम आते हैं बैग्स, उस वाली की शॉप। यहाँ पर भी आपको कलेक्शन जो है वो स्टार्टिंग प्राइस 400 रुपीज़ से मिलेगी। जैसे कि ये बहुत ही यूनिक बैग है जिसमें कार्विंग हो रखी है, एंड दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल। मेटालिक बैग्स हैं, वुडन बैग्स हैं, कुछ फैब्रिक बैग्स भी हैं, तो आप उनमें से चूज कर सकते हो। यहाँ पर हर शॉप गुजराती लेन में दो तीन टाइप की शॉप्स हैं जिनमें सेम टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप पूरी एक्सप्लोर करो मार्केट, उसके बाद बार्गेन करके अपना चीज़ प्रोडक्ट खरीदना। उसके बाद यहाँ पर जो फेमस आंटी हैं जिनके पास बोहो मंजारन बैग्स बहुत अच्छे मिलते थे, अभी भी मिल जाते हैं कई बार, उनके पास पैचेस पड़े थे वो भी अभी तक ऑथेंटिक हैं, और इनके भी बैग्स बहुत प्रिटी होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है, टैसल्स होते हैं, शेल्स होते हैं, पैचेस होते हैं, कॉइन्स होते हैं, तो वो बहुत ही प्रिटी लगते हैं। जिसमें ज़्यादा फिलिंग होती है उतने ज़्यादा वो सुंदर लगते हैं, उतने ज़्यादा वो स्टैंड आउट करते हैं। पैचेस जो है वो आपको 200-300 से स्टार्टिंग प्राइस में मिलेंगे। जितना ज़्यादा हैंडवर्क होगा, जितना ज़्यादा पुराना काम होगा, उतना ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। बंजारन जैकेट, ये लॉन्ग वाली 6000 की बोलती हैं, इसलिए अभी तक पड़ी हुई है। ये मैंने एक दो वीडियोस में पहले भी ली थी, और उसके अलावा यहाँ साड़ीज़ वगैरह भी मिल जाएगी 6000 रुपीज़ की। आई डोंट थिंक कि कोई भी अफोर्ड करने वाला है, बट आई थिंक जब ये रेट कम करेंगी तो 3000 तक अगर देंगी तो मैं ज़रूर ले लूँगी ऐसी चीज़, क्योंकि इट्स एन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इसी के साथ एक शॉप है जहाँ पर सिल्वर ज्वेलरी मिल जाती है, जो इल्यूमिनाटे एवरीडे एक पेज है इंस्टाग्राम पे, उसी की कॉपी टाइप की चीज़ें मिल रही हैं। रिंग्स वगैरह में भी कुंदन लगा हुआ एंड गोल्डन टाइप की डिटेलिंग है जिसमें बर्ड्स बनी हुई टाइप है, या फिर डियर वगैरह, वो सब बहुत पॉपुलर हो गई आजकल, और काफ़ी सुंदर भी लगती हैं, डेलिकेट भी लगती हैं, और काफ़ी रियल ज्वेलरी टाइप की लगती है। मैं आपको पिक एंड चूज़ करके दिखा रही हूँ कि कैसे टाइप की इयररिंग्स, कैसे टाइप की बैंगल्स यहाँ पर अवेलेबल है, और आप क्या क्या खरीद सकते हो। यू कैन ऑलवेज मिक्स एंड मैच विद योर आउटफिट्स। शॉप नंबर 8 के साथ ही एक और शॉप है जहाँ पे बनारसी टाइप का डिज़ाइनर वेयर कुर्ता पड़ा हुआ था, और उसके साथ ही उनके पास ज्वेलरी भी थी कंटिन्यूएशन में, जिसमें अफगानी टाइप की ज्वेलरी जो कॉपी आती है वो भी पड़ी हुई थी। यहाँ की कलेक्शन थोड़ी सी कम थी। उसी के साथ यहाँ पर एक और बड़ी शॉप है जहाँ पर ज्वेलरी की बहुत बड़ी कलेक्शन मिल रही थी। यहाँ पर भी मिक्स ज्वेलरी मिल रही है, सिल्वर। आप आंटी के चेहरे पहचान लो और आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या क्या ज्वेलरी टाइप के पीसेस खरीद सकते हो आप, जो भी मैं आपको शो कर रही हूँ। जो आजकल ऑक्सीडाइज लुक है वो तो चल ही रही थी, साथ में एक वाइट वॉश टाइप की लुक है सिल्वर ज्वेलरी में जो काफी ज्यादा चल रही है, और एक फ्लैट लुक आती है जिसमें कार्विंग्स हुई होती है वो भी बहुत चल रही है, विद कुंदन भी काफी ज्वेलरी में चल रही है, ट्रेंड कर रही है। तो यू कैन बाय एनी ऑफ दीज पीसेस एंड यू गुड टू गो फॉर इयर्स, इनको फेंकने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शॉप नंबर 12 है जो काफ़ी पॉपुलर है, अगेन फॉर बैग्स एंड फॉर अफगानी कुर्ते। इनके पास अंदर से निकलवाने पड़ते हैं, जो बाहर टंगे होते हैं वो थोड़े से टैटर्ड से, मतलब डिस्ट्रॉयड से, डैमेज से टाइप के होते हैं, तो उसके अलावा आप पूछ सकते हो कि अंदर है कि नहीं। कलेक्शन यहाँ पर 14 बैग में, शॉप नंबर क्या है? 14। शॉप नंबर 14 में आपको ऐसे 14 बैग मिल जाएंगे जिसमें कोई भी स्टाइलिश साड़ी पहनी हो, सूट पहना हो, गाउन पहना हो, उसका जाए। इसमें और भी वैरायटी है, 1200 का है ये 200 का सब। ये रे लुक्स वेरी स्टाइलिश, फेस्टिव वाले हैं क्लच बैग, अगेन लुक वेरी नाइस, प्रिटी। इनमें स्लिंग भी है ना भैया? स्लिंग भी है।
लग्जरी बैग हैं, मार्बल फील में है एंड ये मेटल वाले बैग हैं, ये भी बड़े स्टाइलिश लगते हैं एवरीडे वेयर के लिए, ये वाले चलते हैं। और थोड़े लग्जूरियस टाइप के, इफ यू गोइंग टू अ फाइव स्टार होटल टाइप, यू कैन गेट दिस। देन ब्लाउजेस कच्छ वाले में भी बहुत सारे स्टाइल के मिलते हैं, जिसमें बंजारन जो लेडीज पहनती थी बिल्कुल उस स्टाइल के भी होते हैं, एक थोड़े नॉर्मल स्टाइल के भी होते हैं जो ब्लाउजेस टाइप के लगते हैं। और इनके पास भी बैग्स थे थोड़े से और अच्छे डिफरेंट टाइप के बैग्स थे, इसमें लेदर स्वेड लेदर टाइप के मिक्स भी थे और बड़े और छोटे क्लचेस भी थे। साड़ीज इतनी प्रिटी आई हुई थी इस पर्टिकुलर शॉप पे, मतलब इतने ब्यूटीफुल कलर्स और इतनी फ्रेश लुकिंग साड़ीज थी कि आई वाज सो टेम्प्टेड टू बाय देम, पता नहीं मैंने क्यों नहीं खरीदी एंड आई रिग्रेटेड, बट अगर मैं वापस जाऊंगी तो मैं जरूर इसमें से आउटफिट शॉप काज बनाऊंगी। 23 शॉप नंबर में काफी अच्छी साड़ियां मिल रही हैं, पिंक में, ग्रीन एंड ऑरेंज, बहुत ही फ्रेश लुकिंग है, सुंदर है, हैंडलूम बिल्कुल ऑथेंटिक मटेरियल है। क्या रेट है? 3,500 कलर, तो अच्छी सुंदर साड़ियाँ हैं यहाँ से, साड़ी लेके आप सूट भी बनवा सकते हो, साड़ी भी पहन सकते हो और लहंगे वहंगे भी बनवा सकते हो। तो आउटर एंड स्क्रैच अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से बनाऊँ तो नीचे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक यहाँ से जो भी पिक एंड चूज करके मिक्स मैच करके आई विल मेक एन आउटफिट। साड़ीज का जो प्राइस बोलते हैं वो 1500 से स्टार्टिंग प्राइस होता है, कभी 2500 भी बोलते हैं, बट रियल कॉस्ट अगर आपको देनी हो, अगर बार्गेन करना हो तो कोशिश करना कि 600-700 में ले लो, बट डिपेंडिंग ऑन कि कितनी फ्रेश है और कोई डैमेज तो नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको हो सकता है 1000 की भी पड़ जाए, बट आई एम सेइंग कि यू शुड ट्राई इतना रेट करने का। उसके बाद ये बोहो पोटली बैग्स टाइप के, पोटली बैग्स नहीं सॉरी टोटे बैग्स भी आते हैं एंड दीज अफगानी कुर्ते वगैरह जो है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट आपको दिखना शुरू होंगे। पैचेस और छोटे क्लचेस यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर मार्केट तक आते आते। इनके पास डेनिम जैकेट भी पड़ी हुई है और इनके पास कभी कभी चादरें भी पड़ी होती हैं वाइट अप्लीक वर्क में, जो जयपुर और पुष्कर में मैंने आपको शो करी थी। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट आंटी जो बैठी हैं, इनके पास जयपुरी वाली जैकेट्स हैं जिसमें एनिमल्स बने हुए हैं या फिर बहुत ही एथनिक मोटिफ वाले प्रिंट्स पड़े हुए हैं, तो ये सब भी आपको 1500-2000 रुपीज़ के मिलेंगे क्योंकि ये काफ़ी फ्रेश लुकिंग और काफ़ी न्यू टाइप की जैकेट्स हैं। उसके बाद साड़ीज़ दुपट्टेज जो ब्लॉक प्रिंट में होते हैं वो और भी सस्ते में मिल जाएंगे, बॉर्डर्स वगैरह भी मिलते हैं या साड़ियों या लहंगों के लिए, तो अगर आप वेडिंग वेयर के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप बॉर्डर्स भी यहाँ से ले जा सकते हैं, यू कैन मेक अ टोटली न्यू आउटफिट। उसके बाद एक आंटी बैठती हैं जिनके पास ये अफगानी टाइप के नेक पीसेज और अभी भी कुछ पीसेस बच गए हैं, पहले मैं इनसे ही खरीदती थी अब मिलने बंद हो गए हैं। इनके पास ही वो ऑथेंटिक शॉल भी है जो 6,000-7,000 रुपीज़ की बोलती हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं ये चीज़ें, तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने 5 साल पहले जैसलमेर से ख़रीदी थी जो कि ऑथेंटिक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, वहाँ से मैंने 3500 में ख़रीदी थी, आज की डेट में उसकी वैल्यू 6,000 से कम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर कश्मीरी वर्क के आपको बाथ रोब्स एंड जैकेट्स एंड सो मेनी थिंग्स मिल जाएंगे एंड आई लव दीज। जो बीच में शॉप्स आती हैं ना, जब आप गुजराती लेन से मिनी मार्केट की तरफ जाते हो, सो यू विल फाइंड दीज वेरी ब्यूटिफुल हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें दैट यू कैन यूज़ टू डेकोरेट योर हाउस। उसके बाद कच्छ हैंडीक्राफ्ट्स वाली शॉप भी मैं आपको कई बार दिखाती हूँ, जिसमें अगेन गुजराती लेन का मिक्सचर मिलता है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। इनके पास जो जयपुर के बहुत ही अच्छा हैंडलूम वाले चीज़ें आई होती हैं और इनके पास बेडशीट्स वगैरह भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो ये जो कश्मीरी टाइप की शॉल्स वगैरह हैं किसी को गिफ्ट करना हो तो वो भी यहाँ पर फ्रेश और मिल जाती है, पश्मीना शॉल्स एंड इनके पास साड़ीज़ वगैरह भी अवेलेबल होती हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे होती है, लाइक दे वुड, अगर गुजराती लेन में आप 1500 का लोगे तो यहाँ 2000 से कम में देंगे ही नहीं, हो मतलब आप बार्गेन नहीं कर पाओगे ज़्यादा। और इनके पास पिलोज और कुशंस, कुशन कवर्स सब कुछ मिल जाएगा, इवन टेबल रनर्स, टेबल कवर्स एंड सम बैग्स आल्सो। उसके बाद साथ में चलते चलते ये वाली शॉप भी मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ चिकनकारी कुर्ते दिखते हैं, ये आप टूवर्ड्स अगर जनपद मिनी मार्केट जा रहे हो तो आपको शॉप दिख जाएगी और यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल फैब्रिक भी मिल जाता है इनके पास, जो कि स्टार्टिंग प्राइस होता है 250-300 रुपीज़ एंड चला जाता है 1500 रुपीज़ तक। शॉप है, शॉप नंबर क्या है? 12। शॉप नंबर पे सूट सेट्स मिल रहे हैं विद ऑर्गेन्जा दुपट्टा एंड गोल्डन डिटेल, जिसमें गोटा वर्क टाइप हुआ हुआ है, डार्क कलर्स हैं तो विंटर वेयर के लिए अच्छा रहता है। सम लाइट कलर्स आर ऑल्सो देयर, क्योंकि अगर समर्स आ रहे हैं तो इफ़ यू वांट टू कलेक्ट इट इन एडवांस तो ये भी अच्छा लग रहा है। स्वीट साइज में भी ये क्या मटीरियल है?
दुपट्टे का? ये खादी है, खादी खादी टाइप का मटेरियल है। दिस इज लेटेस्ट हैपनिंग कलर। या सो ये वो सूट सेट्स हैं जिसमें आप बहुत रिच लेडी टाइप लगोगे। यू कैन गो फॉर योर किटी पार्टीज, यू कैन गो फॉर योर आउटिंग विद योर हस्बैंड, रोमांटिक डिनर विद योर हस्बैंड। सो मिक्स एंड मैच में ना काफी देर लग जाती है टू अंडरस्टैंड क्या मैच करें क्या नहीं। नाइस कलर्स, नाइस मिक्स ऑफ कलर्स। ये सारे ऊपर 1500। इट इज आल्सो हैप्पी 1800 इसी प्राइस पे। दो इट्स अ समर क्लॉक। आई थिंक कालिनी ब्रांड है जिसकी कुछ चीजें यहाँ पर मुझे दिखी। मिंत्रा पे है वो कालिनी ब्रांड, और उसका व्हाइट वाला जो कुर्ता सेट मैंने दिखाया विद बांधनी या लहरिया टाइप का जो दुपट्टा, वो मैंने कालिनी पे देखा मिंत्रा पे, एंड वो थोड़ा सा और एक्सपेंसिव 1600 का मिल रहा था, जबकि यहाँ पे मुझे 1000 रुपीज़ में दे रहे थे। तो 600 का भी अगर डिफरेंस मिल जाता है इट्स नॉट बैड एट ऑल। इनके पास कुर्ता सेट्स बहुत अच्छे पड़े हुए थे, बट मेरी फेवरेट शॉप हमेशा से M18 है और मैं हमेशा वहीं से जाके कुछ ना कुछ खरीदती हूँ। हालांकि यहाँ पर भी कलेक्शन बहुत अच्छी है। हर बार मैं शॉप शो करती हूँ, इनके पास नई नई कलेक्शन आती रहती है, तो इस बार ये कलेक्शन दिख रही है मुझे जिसमें डीप पर्पल सॉर्ट ऑफ कलर है, वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। लेट मी शो यू सम मोर। ये फ्लोरल प्रिंट्स में भी इनके पास हमेशा होते हैं। शेव एस सफराज की बहुत सारी स्टॉक कलेक्शन है इनके पास। और इसमें दिखाना ये लोग, इसमें कलर एक ही है इसमें को लाइलैक कलर जो दिखाया था अभी। हाँ वो इसका ही। और ये येलो कलर का नारकली विद दुपट्टा जिसमें बांधनी प्रिंट है। सो अपने आप कॉम्बिनेशन बने हुए आ रहे हैं। एंड एक ये ब्लू वाला दिखा दो, ये जो ब्लू। हाँ कोट सेट्स भी मिल जाते हैं इनके पास। तो ये जैकेट स्टाइल का एक मैंने आपको येलो में दिखाया हुआ, जो पीछे मैं अभी दिखाती हूँ। इसमें स्कर्ट है एंड जैकेट स्टाइल का टॉप है। तो विंटर वेयर के लिए फ्यूजन जब क्रिएट करना हो तो ऐसी चीज़ें अच्छी रहती हैं। W का है सेट और इसमें जिप वगैरह भी है। सो M18 पे भी ऐसे कुछ लाजपत नगर स्टाइल के जो कुर्ते हैं जो अनारकली स्टाइल के, वो तो मिलते ही हैं। उसके बाद मैं दिखाती हूँ अब शॉप नंबर 17, जिसमें मुझे एक क्रॉप्ड पिंक स्वेटर मैंने पिछली बार भी दिखाया था, पिछली वीडियो में भी, वो अभी तक अवेलेबल था। उसके बाद ज़ारा वाली पैंट्स, बिल्कुल सेम ज़ारा स्टाइल की ट्राउजर्स पड़ी हुई थी यहाँ पर, बट डेफिनेटली मटेरियल एंड फिटिंग में बहुत फ़र्क होगा, एंड दे विल कॉस्ट यू अराउंड 600 रुपीज़, 500 रुपीज़ ऐसा ही कुछ। एंड कार्गो पैंट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं यहाँ पर, वो भी अगेन 500-400 रुपीज़ की मिल जाएंगी। फ्रेश लुकिंग स्वेटर्स भी मिल रहे हैं कुछ एक दो शॉप्स पे ही, जो मैं आपको शो करूँगी। उसके बाद जीन्स भी मिल रही हैं, जिसमें वाइड लेग जीन्स और बॉम जीन्स वगैरह इजीली मिल जाती हैं यहाँ पर, अगेन 800-700 रुपीज़ की। कितने का ये लगा देंगे प्राइस? एक स्टाइल ये भी इसी का ये कलर। अच्छा, अरे की वाला देखिए। शॉप नंबर क्या है? 12। शॉप नंबर 12। और फ्रिल में चाहिए तो ये देखिए, ये भी खूब प्यारा है। ये हाफ बाजू वाले दिखा दे इधर। आइए वाले साइजेस मिल जाएंगे। और एक ये दिखा दो। समर ड्रेसेस में भी बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है, बहुत कलरफुल पिंक्स एंड बहुत ब्राइट कलर्स आए हुए हैं, एंड स्ट्राइप्स वगैरह भी काफ़ी चल रही हैं। लॉन्ग गाउन्स में भी यहाँ पर शॉप में था, बहुत अच्छी कलेक्शन थी। शॉर्ट ड्रेसेस भी थी और शर्ट ड्रेसेस भी थी, तो ये वाली कलेक्शन ज़रूर चेकआउट करना। शॉप नंबर आई थिंक 14 थी। दिल्ली की ठंड ने तो धोखा दे दिया है, इसलिए हमें और प्रिपेयर होना पड़ा है ताकि आप विंटर वेयर लेते रहें और कलर्स ढूंढते रहें विंटर वेयर में। तो मैं आई हूँ जनपथ मार्केट, और जनपथ मार्केट में मुझे मिल रहे हैं
बहुत सारे डिफरेंट कलर्स, बहुत मजा आ रहा है मुझे। ये जिनटेक जैकेट एंड डिस्को जैकेट कोट्स एज वेल। ये वाला ब्लू काफी ट्रेंडिंग कलर है और इसमें मैंने स्वेटर दिखाया, इसमें मैंने ये दिखाया। सो कोट्स अभी भी जो रेट है वो आप बार्गेन इस टाइम पे अच्छी तरह कर सकते हो, बिकॉज गोइंग विंटर्स में अच्छा रेट मिल जाता है, प्लस यू कैन कलेक्टेड फॉर योर नेक्स्ट सीजन। इस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन फाइंड इन जनपद। जनपद में आसानी ये है कि आपको ना सिलेक्टिव चीज़ें मिल जाती हैं, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। श्रीनगर में ये थोड़ी मुश्किल होती है, इतनी कलेक्शन होती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लस यहाँ पे थोड़ी और फ्रेश लुकिंग चीज़ें होती हैं, तो ये पिंक कोट भी अच्छा लग रहा है, ये मेरी मॉम की चॉइस है। शॉप नंबर बताना भैया। 14 शॉप नंबर। शॉप नंबर 17 में भी ड्रेसेस एंड जंपसूट्स की बहुत अच्छी कलेक्शन थी, सुपर कलरफुल, सुपर स्टाइलिश एंड सुपर ट्रेंडिंग। तो मुझे लगता है कि अगर आप रेडी होना चाहते हो समर्स के लिए तो मस्ट विजिट दिस शॉप, जहां पर इक्कत प्रिंट वाली भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस थी विद फ्लेयर एंड ऑल। तो लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस हैं, दे गो वेल विद इन द समर्स ऑल्सो। एंड इसमें जो पेस्टली कलर्स वाली ड्रेसेस हैं वो तो समर्स एंड विंटर्स दोनों में ही आप यूज़ कर सकते हो विद लेयरिंग। 1500 रुपीज़ की क्रोशे ड्रेसेस हैं यहाँ पर। समर का भी स्टफ काफ़ी सारा आया हुआ है, लेट मी शो यू। ये वाइट जंपसूट भी अच्छा लग रहा है, ऐसी लैवेंडर कलर की ड्रेस है, स्वीट सी लेयरिंग में ट्रॉपिकल पहनने के कपड़े आ गए हैं। वन थी ना उसमें दीपिका पादुकोण ने ऐसे जंपसूट्स पहने थे, प्ले सूट्स बोलते हैं इन्हें। गो टू गोवा पुडुचेरी वेयर सच इजी वेयर स्टाइल के ड्रेसेस भी आई हैं फ्लोरोसेंट में, दैट्स गुड लुक। या ब्रिटिश बुक स्टोर में स्वेटर्स तो अच्छे हैं ही, उसके अलावा यहाँ पर ऐसे टाइप की ट्रैक पैंट्स हैं जो कलरफुल होती हैं और कार्गो पैंट की फील देते हैं। उसके अलावा जो स्वेटर्स हैं वो बहुत फ्रेश लुकिंग अगेन इस वाली शॉप में भी मिल जाएंगे। मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि फ्रेश लुकिंग है क्योंकि कई सारे ना 200-300 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं और वो इतना अच्छा नहीं है। क्वाड सेट्स भी यहाँ पर ट्रेंड कर रहे थे, तो इसमें भी कलर्स काफ़ी सारे थे, लाइट पिंक, बेबी पिंक सॉरी, एंड हॉट पिंक एंड ग्रे एंड ब्लू। शॉप नंबर 11। शॉप नंबर 11 पे भी कुछ अच्छे स्वेटर्स थे जो कि आप एवरीडे वर्क वेयर और या फिर कॉलेज वेयर के लिए भी यहाँ से लेके जा सकते हो। और अगर आपने विंटर्स का अभी कलेक्शन बनाया नहीं है तो आप यहाँ से खरीद लो, 500 रुपीज़ का फिक्स प्राइस में मिल जाते हैं एंड दे लुक एज गुड एज ब्रांडेड, और उसके बाद नेक्स्ट विंटर में आपके काम आएंगे। काफ़ी बेसिक स्वेटर्स हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई ट्रेंड का आपको फ़र्क पड़ेगा कि ट्रेंड नहीं कर रहे, दे विल बी यूज्ड फॉर द ईयर्स कमिंग, लाइक 2-3 साल तो एटलीस्ट काम आएंगे। मैं तो खुद जनपद से ऐसी शॉप से खरीदे हुए स्वेटर्स जो हैं बहुत लंबे चलते हैं। उसके बाद एक ये जो सीक्वेंस वर्क वाली शॉप है, ये दो शॉप्स हैं, उसमें से एक शॉप मैं आपको शो कर रही हूँ जिसमें क्रॉप टॉप्स एंड ड्रेसेस वगैरह मिलती हैं, स्कर्ट्स मिलती हैं दैट यू कैन मिक्स एंड मैच, ऑल्सो यू कैन वेयर विद जीन्स, दे लुक रियली नाइस, रियली गुड। और स्पेशली अगर आप वैलेंटाइंस डे के लिए कुछ ढूंढ रहे हो तो ऐसी टाइप की चीज़ें भी ले सकते हो, या अगर आपका बर्थडे आ रहा है या फिर वेडिंग वेयर के लिए देख रहे हो तो भी आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। यू कैन ऑलवेज ब्लेंड इट विद अ वेरी सिंपल थिंग। साथ में आई थिंक दे हैड शर्ट्स एंड ऑल ऑल्सो, काफ़ी सारा नॉर्मल बेसिक वाला चीज़ें भी थे। सो एंड दिस इज़ इट फॉर माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो कमेंट ज़रूर करके बताना वॉट डू वॉन्ट मी टू कवर नेक्स्ट, विच मार्केट और विच ऐप डू यू वॉन्ट मी टू कवर। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट।